अलीगढ़ के चंडौस ब्लॉक के गांव बिसारा में अलीगढ़ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार की सभी नीतियों के बारे में बताया और कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और हमलावर होते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी आए दिन अपने प्रत्याशियों को बदल रही है और समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी देश से सफाया हो चुका। इसी बीच पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर कि अलीगढ़ की जनता केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा सांसद को चुनने पर गलती बता रही है तो मंत्री इस पर सफाई देते नजर आए। वहीं विपक्षी पार्टियों पर हमला पर होते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, सुनिए। उन्होंने मौजूदा सांसद को चुनकर गलती की, मैडम नीचे करो, क्या कहना है आपका सर, रॉबर्ट वाड्रा? कहां से चलाऊंगी? ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, स्मृति ईरानी जी की लगातार सक्रियता और संपर्क, अब आने वाले परिणाम कहीं ना कहीं उसमें प्रदर्शित करेंगे। जनता चाहेगी तो मैदान में उतरेंगे अमेठी में। अब जनता ने तो निर्णय 2019 में दे दिया और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अमेठी में कितने विधायक चुने गए कांग्रेस के, तो जनादेश में जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि तय करते हैं कि समाज में उनकी पार्टी में कितनी स्वीकारता है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई है, कांग्रेस का कोई स्थान उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस में जो भगदड़ मची है उस पर क्या कहना चाहोगे साहब? अब कांग्रेस आप देख रहे होंगे INDIA गठबंधन में सुबह कोई प्रत्याशी है, शाम को कोई प्रत्याशी है, घोषणा किसी की हो रही है, सिंबल किसी का जमा हो रहा है, तो ये आपस में अंत विरोध है और आपसी कलह का शिकार है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। हेमा मालिनी को लेकर जो लगातार टिप्पणी कांग्रेस के नेता के द्वारा की गई, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे समाज में हमारी बहनों को बड़ा स्थान दिया गया है महिलाओं, और इस प्रकार की टिप्पणी कहीं ना कहीं नारी अस्मिता और नारी सम्मान का अपमान, इसके लिए कांग्रेस के लोगों को माफी मांग। अलीगढ़ की सीट को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा काफी? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में उसे पूरा करेंगे। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।